हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ। आशा है आप लोग सब मस्ती में हो। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं उसी डिजाइन के मेथड को रिपीट कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको पॉलीगोनल टूल लेना होगा और यहाँ पे आपको 3 रखेंगे। कंट्रोल दबा के आप ट्राइंगल बनाओगे और इस ट्राइंगल को नीचे की तरफ पलट दोगे तो इससे एक डायमंड शेप बन जाता है और इसी से हमने वो रिपीट। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना है और इस ट्राइंगल को प्रोपोर्शनल, ये ताला को बंद करके इसे 1 इंच का कर देना है इसकी लंबाई को, तो इसकी चौड़ाई रह जाएगी 1.155। अब आपको हम सिमेट्रिकल डिजाइन बनाते हैं। सिमेट्रिकल डिजाइन्स के लिए एक आप यहाँ पे ये ले लो 2 पॉइंट और इसको हमने यहाँ क्लिक। अब क्या करते हैं, इसको हम सी दबा देते हैं। सी दबाने से आपका सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से ये ले लिया स्मार्ट फिल और स्मार्ट फिल यहाँ आ गया और इससे डिलीट कर दिया। बस अब हमें यही चाहिए और इसे फिल हटा के हम इस पर कोई डिजाइन बना। आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हो, कुछ भी मतलब थोड़ा अच्छा बनाना, बढ़िया डिजाइन होना चाहिए। अभी फिलहाल हम इस तरीके का डिजाइन से हमने कट कर दिया। कट करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसे सिलेक्ट किया और उसके बाद ट्रायंगल को सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। अब ये डिजाइन हमारे पास मात्र ये बना। अब ये देखो, ये बड़ा मजेदार चीज है। आपको इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। ये हमने क्रिएट किया इतने देर में और ये मात्र इससे हम पूरी रिपीट बनाए। ऐसे आप इसको पहले एक बार मिरर साइड पे करो, फिर एक बार मिरर चेक करो और इसे वेल्ड। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके सेंटर पे दोबारा क्लिक किया ये बन जाएगा, फिर कंट्रोल दबा के इसे हम नीचे ले आएंगे बॉटम में। उसके बाद हम इसे यहाँ से पकड़ के कंट्रोल करके यहाँ पे हम राइट क्लिक और कंट्रोल आर। सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे। कंट्रोल आर, सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। इसे हमने यहाँ रखा और यहाँ वैसे तो रिपीट हमारा यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक ऊपर भी बना देते हैं। तो उसके लिए हमने इसे ऐसे रखा और इसे भी हम, ताकि आपको क्लियर कट दिख जाए कि हमारा डिजाइन तो रिपीट कहाँ से कहाँ तक है। ये देखो, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अभी इसके हम आउटलाइनिंग बना देते हैं ताकि आपको नजर आए। आउटलाइनिंग कर देते हैं, नजर आएगी। तो इसमें क्या है, हम अंदर का ये हटा भी देते। अब आपको यहाँ पे देख रहे हो ये एक ट्रायंगल है, तो ये सेंटर से लेके इस सेंटर तक की लंबाई तो हमें पता है क्योंकि ये 1 इंच था, तो ये 2 इंच हो गया। अब ये हमारे को यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई देख, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये ट्रायंगल की चौड़ाई होगी, दूसरी ट्रायंगल ऐसे बन रही है, दो हो गए ट्रायंगल, तीसरी ट्रायंगल ऐसे बन रही है। तो इस फ्लावर से लेके इस फ्लावर तक 3 ट्रायंगल की चौड़ाई आ गई। तो 3 ट्रायंगल की चौड़ाई का मतलब हो गया 1.155। तो उससे जो हम पहले यहाँ पर देखो, एक को निकाल के दिखा, ये 1.155, और इसे हम
तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इसकी रिपीट का पता चल जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा बॉक्स चाहिए। लंबाई में तो हमें पता है कि भाई 2 इंच ही चाहिए, क्योंकि 2 इंच के बाद यही चीज। तो इसके लिए अब हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना के ये हम प्रोपोर्शन को हटा देते हैं, नीचे हम लिख देते हैं 2 और ऊपर लिखते हैं 1.1 डबल 5 और एंटर मार देते। चलो कोई बात नहीं, इसको हमने ऐसे पलट दिया, कंट्रोल दबा 90 डिग्री। अब इन सभी को हमने ग्रुप किया, आउटलाइनिंग हटाई और इसको हमने इसके बीच में रखा। अब ये देखो, ये मात्र हमने ये डिजाइन बनाया, इससे हमारा ये डिजाइन। अभी हम रिपीट बना के दिखाते हैं, फिर आपको चलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको पी दबाते हैं, इसको भी पी दबा देते हैं। पी दबाने से पेज के सेंटर पे आ, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दी, यहाँ पे आएगा हमारा 2 और यहाँ पे आएगा 1.155 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? अब इन सभी को सेलेक्ट करके हमने पी कर दिया। अब इसे राइट क्लिक करके, पावर क्लिक करके हमने इसके अंदर डाल। अब ये पावर क्लिप हो चुका है और ये हमारा रिपीट निकल गया है। अब आप इसे रिपीट बनाते चले जाओ, बस केवल पलट के। सिमेट्रिकल डिजाइन है, कल वाले डिजाइन में सिमेट्रिकल नहीं था, ये सिमेट्रिकल था। तो उसको पलटने के साथ मिरर करने के लिए बोल रहा हूँ। ये सिमेट्रिकल डिजाइन है, इसमें आपको मिरर करने की जरूरत नहीं, विदाउट मिरर ही बन जाएगा। ये आपका डिजाइन बनके तैयार हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना बड़ा डिजाइन मात्र एक इससे बना है। तो अगर रिपीट आप सही निकाल लेते हो तो आप डिजाइन क्रिएट, और इस मेथड से आप हजारों लाखों करोड़ों बना सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।